Dear students, today we are going to read out the chapter, second part of chapter number 5. And chapter number 5 is purity is strength, purity is power. शुद्धता जो होती है वही ताकत होती है. इस चैप्टर से अक्सर दो क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम में पूछे गए हैं. एक तो बड़ा क्वेश्चन भी कई बार 7 नंबर का जो होता है वो बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है. लेकिन बड़ा यदि नहीं होगा तो आप थोड़ा सा ये ध्यान रखें कि छोटा क्वेश्चन इसमें से अक्सर बोर्ड के एग्जाम में पुट अप होता है, पूछा जाता है. चैप्टर एक स्टोरी के रूप में है इसलिए इसको बहुत ही अच्छी तरीके से आप स्टोरी के रूप में जो वर्ड्स वगैरह है उनको देखते हुए रीड आउट करें. प्योरिटी इज स्ट्रेंथ, स्वामी विवेकानंद. स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि पवित्रता ताकत होती है, शक्ति होती है. पवित्रता क्या होती है? ताकत होती है, शक्ति होती है. वी वॉन्ट प्योरिटी, हम शुद्धता चाहते हैं. प्योर फूड, प्योर वाटर, प्योर एयर, हम शुद्ध भोजन चाहते हैं, शुद्ध पानी चाहते हैं, शुद्ध हवा चाहते हैं. वी लॉन्ग फॉर प्योर सराउंडिंग्स, यहां तक कि हम पवित्र वातावरण, जो हमारी सराउंडिंग्स है, जो हमारा आसपास का क्षेत्र है, उस आसपास के क्षेत्र की भी कामना करते हैं. या लॉन्ग फॉर का मतलब होता है कामना करना, इच्छा करना. हम पवित्र सराउंडिंग की भी कामना करते हैं. वी यर्न फॉर प्योर हार्ट एंड प्योर लव, और यहाँ यर्न का मतलब है आकांक्षा करना, आकांक्षा करना. हम पवित्र हृदय और पवित्र प्यार की भी आकांक्षा करते हैं. मतलब हर कोई व्यक्ति चाहता है कि उसका हार्ट प्योर हो, हर कोई व्यक्ति चाहता है कि उसका जो लव है वो प्योर हो, और हमारी जो सराउंडिंग्स है जिस क्षेत्र में हम रहते हैं वो सराउंडिंग्स प्योर हो. हम ये चाहते हैं कि हमें भोजन शुद्ध मिले, हम ये चाहते हैं कि हमें पानी शुद्ध मिले, हम ये भी चाहते हैं कि हमें हवा भी शुद्ध मिले. वी प्रेफर प्योर एनवायरमेंट एंड प्योर सोसाइटी, हम पवित्र वातावरण को प्राथमिकता देते हैं. या प्रीफर का मतलब है प्राथमिकता देना, एंड प्योर सोसाइटी और पवित्र समाज को प्राथमिकता देते हैं. वी आर फॉन्ड ऑफ प्योरिटी, हम पवित्रता के शौकीन हैं. हम पवित्रता के क्या हैं? फॉन्ड हैं, शौकीन हैं. बिकॉज प्योरिटी प्रमोट्स हेल्थ, क्योंकि पवित्रता हमारी जो हेल्थ होती है, हमारा जो स्वास्थ्य होती है उसको प्रमोट करती है, यानी कि उसको सुधारने में मदद करती है. हमारा जो स्वास्थ्य होता है उसको प्रमोट करती है. यहाँ प्रमोट जो शब्द है उसका मतलब है हेल्प इन इंक्रीजिंग, सुधारने में मदद करती है. इम्प्योरिटीज आर इंजरियस टू हेल्थ, अपवित्रता हमारे स्वास्थ्य के लिए क्या है? इंजरीज है. कहने का मतलब एक प्रकार से नुकसानदायक है, एक प्रकार से अपन कहें तो हमारी हेल्थ के लिए क्या है? एक प्रकार का जख्म है, एक प्रकार का जख्म है. प्योरिटी प्रोवाइड्स पीस ऑफ माइंड, प्योरिटी जो होती है वह हमें मस्तिष्क की शांति प्रदान करती है. ध्यान देना बेटा, इसमें एक क्वेश्चन मैंने दिया है कि व्हाट रोल डज प्योरिटी प्ले इन ह्यूमन लाइफ, मनुष्य के जीवन में पवित्रता क्या रोल प्ले करती है. तो यहां से ये चीजें शुरू हो जाएगी. प्योरिटी प्रोवाइड्स पीस ऑफ माइंड, और आगे पूरे चैप्टर में जहां जहां से जो पवित्रता जो कुछ प्रोवाइड करवाती है उनको आप चूज करके और फिर बाद में इस आंसर में आप लिखेंगे. तो ये जहां जहां पवित्रता जो चीज हमें प्रदान करती है उसको अंडरलाइन करते चलें. प्योरिटी प्रोवाइड्स पीस ऑफ माइंड, पवित्रता हमें मस्तिष्क की शांति उपलब्ध करवाती है, प्रोवाइड करवाती है. इम्प्योरिटीज इम्पेयर द माइंड, और अपवित्रता हमारे मस्तिष्क को विकृत कर देती है. यहाँ इम्पेयर का मतलब होता है विकृत करना, खराब कर देना, हमारे मस्तिष्क को खराब कर देती है. बोथ फॉर बॉडीली हेल्थ एंड मेंटल हेल्थ वी नीड प्योरिटी, हमें शारीरिक स्वास्थ्य के लिए और मानसिक स्वास्थ्य के लिए, यानी दोनों प्रकार के स्वास्थ्य के लिए हमें पवित्रता की आवश्यकता होती है. दोनों प्रकार के स्वास्थ्य के लिए मैंने क्वेश्चन लिखा है, व्हाई डू वी नीड प्योरिटी.
वी नीड प्योरिटी फॉर बोथ फिजिकल हेल्थ एंड मेंटल हेल्थ। हमें प्योरिटी की दोनों जगह जरूरत पड़ती है, शारीरिक स्वास्थ्य के लिए भी जरूरत पड़ती है और मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी जरूरत पड़ती है। वी डू रिक्वायर एनवायरमेंटल प्योरिटी फॉर ओवरऑल हेल्थ। देखिए क्वेश्चन और बनता है कि व्हाट इज नीडेड फॉर ओवरऑल हेल्थ, संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए किस चीज की आवश्यकता होती है। तो वी नीड प्योरिटी ऑफ एनवायरमेंटल या एनवायरमेंटल प्योरिटी या प्योरिटी ऑफ एनवायरमेंट फॉर ओवरऑल हेल्थ। हमें संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है, प्योर एनवायरमेंट की, पवित्र वातावरण की। प्योरिटी ऑफ बॉडी इज फिजिकल हेल्थ। देखिए शरीर की पवित्रता, प्योरिटी ऑफ बॉडी इज फिजिकल हेल्थ। शरीर की पवित्रता शारीरिक स्वास्थ्य होती है। प्योरिटी ऑफ स्पीच इज अनस्लाइड ट्रस्ट ट्रुथ। और भाषण की जो पवित्रता होती है, जो शुद्धता होती है, वो अनसुलिड ट्रुथ का मतलब होता है निष्कलंक सत्य। वो निष्कलंक सत्य होता है, यानी ऐसा सत्य होता है जिस पर किसी प्रकार का कोई कलंक नहीं है। प्योरिटी ऑफ हार्ट इज अनसेल्फिश लव। हृदय की जो पवित्रता होती है वो निस्वार्थ प्यार होती है, निस्वार्थ प्यार होती है। प्योरिटी ऑफ थॉट इज राइटियस रीजन। या देखिए राइटियस रीजन का मतलब है नैतिक रूप से उचित, नैतिक रूप से उचित, मोरली जो राइट होता है उसको कहते हैं नैतिक रूप से उचित। तो प्योरिटी ऑफ थॉट इज राइटियस रीजन। हमारे विचारों की जो शुद्धता होती है वह एक प्रकार से नैतिक रूप से उचित होती है। प्योरिटी ऑफ माइंड इज वोलसम पीस। वोलसम पीस का मतलब होता है मन और तन, यानी संपूर्ण शांति। लेखक कहता है कि प्योरिटी ऑफ माइंड इज वोलसम पीस। कहने का मतलब प्योरिटी ऑफ माइंड, हमारे मस्तिष्क की जो पवित्रता होती है वो वोलसम पीस होती है। कहने का मतलब आचरण से, मन से, तन से हर प्रकार की शांति को प्रदान करती है, हर प्रकार से हमें पवित्र बनाती है। प्योरिटी ऑफ एक्शन इज ए सिंसियर एंड अनसेल्फिश सर्विस। और देखिए हमारी जो कर्म की पवित्रता होती है, प्योरिटी ऑफ एक्शन का मतलब है कर्म की पवित्रता। कर्म की पवित्रता क्या होती है, अनसेल्फिश सर्विस, निस्वार्थ भाव से की जाने वाली सेवा होती है। और सिंसियर का मतलब होता है सही, सत्य, और वो सत्य होती है। प्योरिटी ऑफ सोसाइटी इज हार्मोनियस यूनिटी। और समाज की पवित्रता सौहार्दपूर्ण एकता होती है। हार्मोनियस का मतलब होता है सौहार्दपूर्ण, सौहार्दपूर्ण मतलब जिसमें किसी प्रकार की कटुता ना हो, एक दूसरे के प्रति अच्छी भावनाएं सौहार्द कहलाती है। तो लेखक कहता है कि समाज की जो पवित्रता होती है, वो समाज की पवित्रता क्या होती है, समाज की पवित्रता सौहार्दपूर्ण एकता होती है, सौहार्दपूर्ण एकता होती है। प्योरिटी ऑफ एनवायरमेंट इज सोल एलिवेटिंग सेरेनिटी। देखिए प्योरिटी ऑफ एनवायरमेंट जो होती है, जो वातावरण की शुद्धता होती है, वह वातावरण की शुद्धता क्या होती है, सोल एलिवेटिंग सेरेनिटी। सेरेनिटी का मतलब होता है शांति, और सोल एलिवेटिंग का मतलब होता है आत्मा का उत्थान करने वाली, आत्मा का विकास करने वाली। लेखक कहता है कि वातावरण की शुद्धता हमारे आत्मा का उत्थान करने वाली शांति होती है, हमारी आत्मा का उत्थान करती है। अब देखिए इस एक लेसन में, मतलब इस पैराग्राफ में हमने दो तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट देखी। कौन कौन सी देखी, कि भाषण की पवित्रता क्यों होनी चाहिए, विचारों की पवित्रता क्यों होनी चाहिए, शारीरिक पवित्रता क्यों होनी चाहिए, मानसिक पवित्रता का क्या रोल होता है। तो अलग अलग प्रकार की जो पवित्रता है उसका अलग अलग प्रकार का रोल आपको पता होना चाहिए। और दो तीन चीजें जो अपन ने देखी है, व्हाट इज नीडेड फॉर वोलसम पीस, संपूर्ण शांति के लिए किसकी आवश्यकता है, वी नीड
प्योरिटी ऑफ माइंड फॉर वॉलसम पीस। जैसे छोटे छोटे क्वेश्चन जब तक आप तैयार नहीं करोगे तब तक चैप्टर आपको याद नहीं रहेगा। अब देखिए लेखक एक उदाहरण देता है महाभारत से, और इस महाभारत से जो उदाहरण दिया गया है इस उदाहरण से क्वेश्चन 7 नंबर का बनता है बड़ा, यानी कि कई बार जैसे मैंने क्वेश्चन लिखा है डिस्क्राइब द एपिसोड फ्रॉम महाभारत टू इल्यूस्ट्रेट द पीस द प्योरिटी, मतलब प्योरिटी ऑफ किसकी थी, नेचर ऑफ प्योरिटी, कि पवित्रता की जो प्रवृत्ति क्या होती है, पवित्रता की प्रवृत्ति कैसी होती है। और देखिए एक बात इस चैप्टर से साफ साफ आती है कि आपका माइंड कैसा है। इफ यू हैव प्योर माइंड देन योर फिजिक मे बी प्योर, योर एक्शन मे बी प्योर, योर लव मे बी प्योर, यानी हर चीज आपकी पवित्र होती है। एक बात आपको सीख लेनी है कि जैसा मन जैसा तन वैसा ही आपका एक्शन। जो व्यक्ति जैसा होता है, जिस व्यक्ति के विचार जैसे होते हैं, उस व्यक्ति को दूसरे लोग भी वैसे ही दिखाई देते हैं। यदि कोई मानसिक रूप से चोरी करने की आदत वाला व्यक्ति है तो वो हर किसी को चोर मानता है, उसको लगता है कि सब चोर हैं। यदि कोई साहूकार है शुद्ध है तो फिर हर व्यक्ति उसको शुद्ध और साहूकार दिखाई देता है। और इसी चीज को इलिस्ट्रेट किया गया है इस एपिसोड में। देखिए क्या कहता है, इन द महाभारत देयर इज एन इंटरेस्टिंग एपिसोड। महाभारत में एक बहुत ही रोचक एपिसोड है, महाभारत में एक रोचक घटना है, या एपिसोड का मतलब है बेटा घटना। महाभारत में एक रोचक घटना है टू इल्यूस्ट्रेट द नेचर ऑफ प्योरिटी, जो पवित्रता की प्रवृत्ति का वर्णन करती है, जो पवित्रता की प्रवृत्ति को बताती है। द पांडवाज एंड कौरवाज वर द्रोणाज डिसिपल्स। कौरव और पांडव दोनों गुरु द्रोण के शिष्य थे। दोनों क्या थे, गुरु द्रोण के शिष्य थे। देवर वन समंड बाय द प्रीसेप्टर द्रोणा फॉर अ टेस्ट। उन दोनों को यानी कौरवों को और पांडवों को गुरु द्रोण ने एक दिन क्या किया, टेस्ट लेने के लिए बुलाया। यहां प्रीसेप्टर का मतलब होता है गुरु, जो वर्ड आया है प्रीसेप्टर इसका मतलब होता है शिक्षक। तो एक दिन गुरु द्रोण ने, शिक्षक द्रोण ने कौरवों और पांडवों दोनों को टेस्ट के लिए बुलाया, परीक्षा देने के लिए बुलाया। द एल्डेस्ट ऑफ द पांडवाज युधिष्ठिरा वॉज आस्क्ड टू ब्रिंग वन बैड पर्सन फ्रॉम द सोसाइटी। और पांडवों में जो सबसे बड़ा था युधिष्ठिर, पांडवों में सबसे बड़ा कौन था, युधिष्ठिर, उस युधिष्ठिर को गुरु द्रोण ने एक बुरा व्यक्ति ढूंढ कर लाने के लिए कहा। देखिए गुरु द्रोण से क्या कहा कि आप हस्तिनापुर के समाज में जाओ और पूरे हस्तिनापुर में से एक व्यक्ति ऐसा ढूंढ कर लाओ जो बुरा व्यक्ति हो। जो कैसा व्यक्ति हो, बुरा व्यक्ति हो। द एल्डेस्ट ऑफ द कौरवाज दुर्योधना वाज आस्क्ड टू फेच वन गुड पर्सन फ्रॉम द सेम सोसाइटी इन हस्तिनापुर। और कौरवों का जो सबसे बड़ा भाई था जिसका नाम क्या था, दुर्योधन, उस दुर्योधन को उसी सोसाइटी से, उसी हस्तिनापुर के समाज में से एक अच्छा व्यक्ति ढूंढ कर लाने के लिए कहा। देखिए समाज एक ही है, हस्तिनापुर में से ढूंढ कर लाना है। युधिष्ठिर को तो उसने कहा कि तू एक बुरा व्यक्ति ढूंढ कर ला, और जो दुर्योधन था उसको कहा कि तू एक अच्छा व्यक्ति ढूंढ कर ला। फिर क्या हुआ, बोथ द कजिन्स आफ्टर अ थ्रो सर्च, यानी कि पूरी तरह से छानबीन करने के बाद, पूरे समाज में पूरी तरह से छानबीन करने के बाद, बोथ द कजिन्स रिटर्न्ड एम्प्टी हैंडेड। दोनों के दोनों चचेरे भाई खाली हाथ लौट आए। मतलब युधिष्ठिर को कोई अच्छा व्यक्ति नहीं मिला और दुर्योधन को कोई बुरा, सॉरी युधिष्ठिर को कोई बुरा व्यक्ति नहीं मिला और दुर्योधन को कोई अच्छा व्यक्ति नहीं मिला। द प्योर माइंडेड युधिष्ठिर फाउंड एवरीवन टू बी पियस एंड प्योर।
पवित्र मस्तिष्क वाले युधिष्ठर को हर कोई पवित्र और शुद्ध ही लगा, क्योंकि युधिष्ठर का मस्तिष्क कैसा था? प्योर था, पवित्र था। तो पवित्र मस्तिष्क वाले युधिष्ठर को हर कोई कैसा लगा? प्योर एंड पियस, हर कोई उसको पवित्र ही लगा, उसको शुद्ध लगा, अच्छा लगा। द इम्प्योर माइंड ऑफ दुर्योधन फाउंड एवरीवन टू बी इविल एंड इम्प्योर। और उसी समाज में दुर्योधन को हर कोई व्यक्ति कैसा लगा? बुरा लगा, यानी इम्प्योर, अपवित्र, अशुद्ध लगा, उसको लगा ही नहीं। अब देखिए एक चीज को समझिए, व्यक्ति हस्तिनापुर समाज के वही हैं, सारे व्यक्ति वही हैं, लेकिन वो सारे व्यक्ति युधिष्ठिर को तो क्या लग रहे थे? सब अच्छे लग रहे थे, शुद्ध लग रहे थे, पवित्र लग रहे थे, कोई बुरा व्यक्ति नजर ही नहीं आया। और दुर्योधन को कोई अच्छा व्यक्ति नजर नहीं आया, मतलब उसको सारे अच्छे नजर आ रहे थे और दुर्योधन को सारे बुरे नजर आ रहे थे। तो लेखक कहता है, एज इज द माइंड सो इज द विजन, जैसे तुम्हारा मस्तिष्क होता है वैसी ही तुम्हारी दृष्टि होती है, जैसा तुम्हारा मस्तिष्क होता है वैसी ही तुम्हारी दृष्टि होती है, अर्थात जैसा तुम्हारा मस्तिष्क है वैसे ही तुम्हें चीजें नजर आएगी। यदि आप मन से अच्छे हैं, यदि आप तन से अच्छे हैं, यदि आप मस्तिष्क से पवित्र हैं, तो हर चीजें आपको पवित्र नजर आएगी। और यदि आप खुद इम्प्योर हैं, आपका मस्तिष्क इम्प्योर है, आपका मन शुद्ध नहीं है, तो हर चीज आपको कैसी दिखाई देगी? इम्प्योर दिखाई देगी, अशुद्ध दिखाई देगी। समझ में आ गई बात? यहां से एक क्वेश्चन बनेगा, डिस्क्राइब द स्टेटमेंट एज इज द माइंड सो इज द विजन। डिस्क्राइब द स्टेटमेंट एज इज द माइंड सो इज द विजन। मैं इस क्वेश्चन को और बेटा इसमें लिख देता हूं, डिस्क्राइब द स्टेटमेंट क्वेश्चन नंबर 9। डिस्क्राइब द स्टेटमेंट इस कथन का वर्णन कीजिए, एक्सप्लेन करना है आपको इसको, क्या है? एज इज द माइंड, एज इज द माइंड सो इज द विजन, सो इज द विजन। ये जो क्वेश्चन है इसका जब आप आंसर लिखें तो महाभारत से युधिष्ठर और दुर्योधन की घटना का आप वर्णन कर सकते हैं, आप वर्णन कर सकते हैं। पूरी घटना का वर्णन मत करना, आप ये कह सकते हैं कि द स्टेटमेंट इज कंप्लीटली ट्रू दैट एज इज द माइंड सो इज द विजन, बिकॉज द पर्सन सीज व्हाट ही हैज हिज माइंड अबाउट। जस्ट लाइक दुर्योधन कुड नॉट फाउंड आउट ए गुड पर्सन व्हाइल Yudhishthira could not find out a bad person in the same society of Hastinapur. ये इसका जवाब हो जाएगा। Purity of mind makes our vision, word and deed pure. देखिए मैं बता रहा था ना, purity का वर्णन कीजिए, purity के क्या फायदे हैं। Purity of mind makes our vision, words and deed pure. हमारे मस्तिष्क की शुद्धता, हमारे मस्तिष्क की पवित्रता हमारी विजन को यानी विचार को, वर्ड्स यानी शब्दों को, डीड्स यानी एक्शन, कर्म और कार्य को पवित्र बनाती है। यानी हमारी मस्तिष्क की पवित्रता क्या करती है? राकेश देखना इसको बोलना, हमारे ये जो है मस्तिष्क की पवित्रता क्या करती है? मस्तिष्क की पवित्रता हमारे विचारों को, हमारे शब्दों को और हमारा जो कार्य है, हमारा जो कर्म है उसको शुद्ध बनाती है। रिमूव करो ना इसको। इट हैज ऑल्सो द पावर टू प्योरिफाई पीपल। और देखिए मस्तिष्क की पवित्रता का एक फायदा और है, इट हैज ऑल्सो द पावर टू प्योरिफाई पीपल, ये लोगों को शुद्ध करने की ताकत रखती है। मस्तिष्क की पवित्रता में एक ताकत और है, कौन सी ताकत? ये लोगों को पवित्र बना सकती है, लोगों को शुद्ध बना सकती है। और आपने देखा होगा हमारे समाज में एक कहावत है कि जो व्यक्ति जिस प्रकार के एटमॉस्फेयर में रहता है, जैसे फ्रेंडशिप सर्किल में रहता है, जैसे वातावरण में रहता है,
उसके आचार और विचार भी वैसे ही हो जाते हैं। आप यदि अच्छे प्योर माइंडेड पीपल की संगत करते हैं, उनके साथ रहते हैं, तो आपका मस्तिष्क, आपका कर्म, आपका सोच वो भी पवित्र हो जाएगा। और यदि आप इम्प्योर जो पीपल है, उन इम्प्योर पीपल की यदि आप संगत करते हैं, उनके साथ में रहते हैं, तो आपका विजन, विजन के साथ साथ आपका कर्म और कर्म के साथ साथ आपके जो विचार हैं वो भी क्या हो जाएंगे, अपवित्र हो जाएंगे। इविल हैज नो प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ प्योरिटी। देखिए, पवित्रता के सामने बुराई का कोई स्थान नहीं होता है। आप इस कथन को भी बहुत अच्छी तरीके से समझ लेना, इसमें से भी मैं एक क्वेश्चन दूंगा। लेखक कहता है, इविल हैज नो प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ प्योरिटी। पवित्रता की उपस्थिति में जो बुराई होती है, उस बुराई का कोई स्थान नहीं होता। कैसे नहीं होता? नॉर कैन इट फेस प्योरिटी एज डार्कनेस कैन नॉट फेस द सन। और ये अपवित्रता कभी भी प्योरिटी का सामना नहीं कर सकती, ठीक उसी प्रकार से नहीं कर सकती जिस प्रकार से अंधेरा सूर्य का सामना नहीं कर सकता। यानी रात्रि को अंधेरा रहता है, लेकिन जैसे ही सूर्य उदय होता है, सूर्य उदय होने के साथ ही अंधेरा दूर हो जाता है, अंधेरे का अस्तित्व खत्म हो जाता है। उसी प्रकार से जो इम्प्योरिटी होती है, जो अपवित्रता होती है, जो इविल होती है, जो बुराई होती है, वह बुराई जब प्योर माइंड के पास में आती है, जब पवित्र मस्तिष्क के सामने आती है, तो बुराई दूर हो जाती है। लोग कहते हैं कि आपका मस्तिष्क भी, आप यदि इम्प्योर लोगों के साथ रहोगे तो आपका मस्तिष्क भी इम्प्योर हो जाएगा। ऐसा नहीं है। यदि वास्तव में आप किसी पवित्र व्यक्ति के सामने चले गए, तो वो पवित्र व्यक्ति आपके बुराइयों से बुरा नहीं होगा, बल्कि उसकी प्योरिटी से आपकी इविल खत्म हो जाएगी, उसकी पवित्रता से आपकी जो बुराई है वो भी खत्म हो जाएगी। इट ओनली गेट्स चेंज्ड इनटू प्योरिटी। क्योंकि जो बुराई होती है, लेखक कहता है, जो बुराई होती है वो बुराई पवित्रता के सामने आते ही पवित्रता में परिवर्तित हो जाती है। जिस प्रकार से अंधेरा सूर्य के उदय होने के साथ ही उजाले में परिवर्तित हो जाता है, जिस प्रकार से सूर्य उदय होने के साथ ही अंधेरा उजाले में तब्दील हो जाता है, बदल जाता है, ठीक उसी प्रकार से यदि आप, जो बुराई होती है वो पवित्रता के सम्मुख आते ही पवित्रता में बदल जाती है। यदि किसी के आचार विचार गलत है और वो किसी पवित्र व्यक्ति के संपर्क में चला गया, तो उसके आचार विचार बदल जाते हैं, उसके आचार विचार शुद्ध हो जाते हैं। फूल्स हु कम टू स्कोप रिमेन टू प्रे इन प्रेजेंस ऑफ प्योरिटी। देखिए, लेखक कहता है, फूल्स हु कम टू स्कोप, स्कोप का मतलब होता है हंसी उड़ाना। ऐसे मूर्ख लोग जो हंसी उड़ाने के लिए आते हैं, जो हंसी उड़ाने के उद्देश्य से आते हैं, रिमेन टू प्रे इन द प्रेजेंस ऑफ प्योरिटी, हंसी उड़ाना तो दूर की बात होती है, प्योरिटी के सम्मुख आते ही, पवित्रता के सामने आते ही वो पूजा करने लग जाते हैं। यानी कि जो हंसी उड़ाने के लिए आए थे वो भी क्या करने लग जाते हैं, पूजा करने लग जाते हैं, उनके पदों पांवों को छूने लगते हैं, उनका आशीर्वाद लेना चाहते हैं। विलेंस वो कैम टू हार्म स्टैंड इन एडोरेशन इन द प्रेजेंस ऑफ प्योरिटी। और कोई विलेन है, यानी कि कोई खलनायक है, कोई दुष्ट व्यक्ति है जो नुकसान पहुंचाने के लिए आया है, वह भी पवित्रता के सामने आते ही क्या करने लगते हैं, एडोरेशन की स्थिति में आ जाते हैं, यानी उसकी पूजा करने लगते हैं, उसकी प्रशंसा करने लगते हैं। कोई व्यक्ति किसी को नुकसान पहुंचाने जा रहा है, इसका मतलब उस व्यक्ति का माइंड कैसा है, इम्प्योर है, अपवित्र है, तभी तो वो उसका नुकसान पहुंचाने जा रहा है। लेकिन जिस व्यक्ति का नुकसान पहुंचाने जा रहा है, यदि वो व्यक्ति मेंटली प्योर है, मानसिक रूप से शुद्ध है, तो वो नुकसान पहुंचाने के लिए जो व्यक्ति आया है, वो व्यक्ति भी उसके सामने आते ही उसकी प्रशंसा करने लग जाएगा। यानी उसका नुकसान करना तो दूर गया, वह उसकी प्रशंसा में खड़ा हो जाएगा। मर्डरर्स बिकम वॉटरीज, वॉटरीज ऑफ पीस इन द प्रेजेंस ऑफ प्योरिटी।
देखिए लेखक क्या कहता है, लेखक कहता है कि जो मर्डरर्स होते हैं, हत्या करने वाले लोग, जो किसी का कत्ल करने के लिए जाए, किसी को मारने के लिए जाए, ऐसे लोग भी जो प्रेजेंस ऑफ प्योरिटी होती है, पवित्रता के जब सम्मुख आते हैं, तो पवित्रता के सम्मुख आते ही क्या बन जाते हैं, बड़े दयावान बन जाते हैं। वॉटरीज का मतलब होता है काइंड हार्टेड पर्सन बन जाते हैं, अच्छे विचारों वाले लोग बन जाते हैं, हथियार उनके हाथों से उठते ही नहीं है और उनके जो बुरे विचार होते हैं वो खत्म हो जाते हैं। एक प्रकार से अपन ये कहें पूजा अर्चना करने की स्थिति में वो लोग आ जाते हैं। बेटा इसमें से दो क्वेश्चन और मैं आप लोगों को देना चाहूंगा, दो या तीन। व्हाट हैपेंस टू विलेन इन प्रेजेंस ऑफ, तीन क्वेश्चन दूंगा छोटे छोटे जिनकी बहुत जरूरत पड़ेगी अपन को। तो देखिए सबसे पहले हैं क्या करूं, वो करवा दिया। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 10 है व्हाट हैपेंस टू evil in the presence of purity। इसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 11 यहां डाल देता हूं मैं, व्हाट हैपेंस टू विलेंस, टू विलेंस एंड मर्डरर्स इन द प्रेजेंस ऑफ प्रॉपर्टी। Dear students, this is our today's lesson and सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले ले दोबारा, टेक स्क्रीनशॉट एंड टेल मी हैव यू डन और नॉट। और मैं बता देता हूं चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, हैव यू डन और नॉट। बेटा जल्दी से कमेंट कीजिए, हो गया क्या, डन? ओके ओके, नाउ यू कैन आस्क मी योर डाउट्स रिलेटेड टू दिस चैप्टर। इस चैप्टर से संबंधित आपके कोई डाउट्स हो तो वो पूछिए बेटा।